चौहटन उपखंड के पुलिस थाना बीजराड़ में पुलिस मुख्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रविवार को वॉलीबॉल मैच का आयोजन हुआ। बीजराड़ सरपंच रूपाराम डौकिया एवं जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हुसैन खान तथा थानाधिकारी भोरा राम ने वॉलीबॉल फेंक कर मैच का आगाज किया। वॉलीबॉल का पहला मैच बीजराड़ और कैलनौर, दूसरा पुलिस स्टाफ और देदूसर के मध्य खेला गया। इसी तरह कुल 14 मैच खेले गए। अंत में मीठड़ाऊ और देदूसर की टीमें फाइनल मुकाबले में पहुंची, जिसका मुकाबला सोमवार सुबह होगा। थानाधिकारी भंवरा राम ने बताया कि पुलिस मुख्यालय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय की इच्छा है कि इस तरह के मैचों से नागरिकों और पुलिस के मध्य मजबूत रिश्ते पैदा होते हैं, जिससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है। इस आयोजन में सभी प्रकार के पारितोषिक की व्यवस्था, रालोपा नेता चूनाराम बेनीवाल तथा आने वाली सभी टीमों तथा दर्शकों के लिए खाने की व्यवस्था सरपंच रूपाराम डौकिया की तरफ से की गई थी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बाड़मेर के निर्देशन में पुलिस नागरिक वॉलीबॉल मैत्री मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस और आमजन के बीच में सामंजस्य हो, लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना बढ़े और जनता का पुलिस के साथ अच्छा संवाद, व्यवहारिक संवाद हो सके, इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस थाना बीजराड़ में किया जा रहा है, जिसमें 14 टीमें इस थाना क्षेत्र की भाग ले रही है। समापन इसका कल किया जाएगा। श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय वर्त चौटन पधारेंगे कल फाइनल के टाइम, और जो टीमें इसमें विजेता होगी उसमें सेलेक्टेड प्लेयर आगे वर्त स्तर पर और वर्त से जिला स्तर पर, जिला से रेंज स्तर तक ये मैचों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बीजराड़ सरपंच रूपाराम डौकिया, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हुसैन खान भोजारिया, सरपंच प्रतिनिधि रेवराम डौकिया, चूनाराम बेनीवाल, सरपंच प्रतिनिधि छुक सिंह, थानाधिकारी भंवरा राम, व्याख्याता नागजी राम, ASI पद्मा राम, हेड कांस्टेबल आसू राम, कांस्टेबल लुम्बा राम, पद्मा राम खरटिया, बाबूलाल विश्नोई, चंदना राम, प्रेम जानी, गोगाराम मैया सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।